दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जहां दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति घटनास्थल से फरार हो गया है। घटना NH2 पर बारुण थाना क्षेत्र के टिंगरा गांव के पास की है। घटना की सूचना मिलते ही बारुण थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए उसे सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया। मृतकों में एक की पहचान बारुण के कुमहरा टोली के निवासी बम्भोला के रूप में हुई है, वहीं दूसरे की पहचान नहीं हो सकी है। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक पर सवार होकर तीनों NH के रास्ते डेहरी की ओर जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे वाहन की चपेट में आ गए और ये हादसा हो गया। जांच के क्रम में पुलिस को एक मृतक के कमर से एक लोडेड देसी कट्टा भी मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सुबह में हम लोग के पास फोन गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब कैसे गया हम इसके बारे में जानकारी नहीं, पता चला तो हम लोग आए आके अपना अथी कर रहे हैं। अकस्मात सर फोन हुआ जी, दोनों साथ गिरा हुआ है जी, बर्मा डी के सामने जी जी, एक देसी काटा भी था, एक जी लोडेड काटा देसी था पिस्तौल। अच्छा, किसके कमर में था वो? वो अज्ञात है पहचान दो अट्ठाईस मिनट है, नाम तो किसी का है नहीं, अज्ञात है। जिले के औरंगाबाद डाल्टनगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर रामाबांध गांव के समीप स्थित बस स्टैंड की स्थिति पहले ही बारिश के बाद बदहाल हो गई है। आलम यह है कि बस स्टैंड का पूरा परिसर कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिसके कारण बस के मालिक अपनी बसों को बस स्टैंड में नहीं लगा रहे हैं। कारण है कि यहां से सफर करने वाले कोई भी यात्री कीचड़ में जाकर बस पकड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सभी गाड़ियां NH के किनारे ही खड़ी हो रही हैं, जिससे कि वहां भयानक जाम की स्थिति बनने की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि इस बस स्टैंड से बिहार के प्रमुख शहरों सहित विभिन्न राज्यों के लिए भी गाड़ियां खुलती हैं। इस परेशानी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस पर नजर डालने की मांग की है, ताकि यात्रियों को इस नार की स्थिति से मुक्ति मिल सके। यहाँ औरंगाबाद रामाबांध बस स्टैंड में हजारों गाड़ियाँ खुलती हैं और MP झारखंड छत्तीसगढ़ लोकल हजारों गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ी तो किसी तरह चल जाती है, लेकिन जो पब्लिक यहाँ आकर नहा धोवा कर तैयार होकर जाते हैं उनको काफ़ी कीचड़ का सामना करना पड़ता है। और ऐसा हाल है कि पैदल चलने के लिए लायक एक जगह स्टैंड है नहीं, इस पर नगर परिषद एवं जिला प्रशासन का ध्यान है नहीं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लमसम 10 सालों से चल रहा है यहाँ पर स्टैंड और 10 सालों से लगातार यही हालत है। कुछ बस चंदा करके इसको जब कभी रिपेयरिंग करवाया जाता है, इससे थोड़ा बहुत पब्लिक को राहत है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जितना भी आते हैं हर कोई यहाँ कीचड़ का सामना करके नया पैंट पहन के जाते हैं, लेट कहीं यहाँ से जाना।
15 सेकंड का वरदान। माँ विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहां आप पाएंगे SD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी, अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ TV देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। औरंगाबाद के दाऊदनगर में ट्रेलर से कुचलकर जहां एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक अन्य छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घायल छात्र को दाऊदनगर PSC पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। घटना NH 139 पर दाऊदनगर औरंगाबाद पथ के भकरुआ मोड़ स्थित त्रिवारी मोहल्ला के पास की है। बताया जाता है कि साइकिल पर सवार सुधीर कुमार और उसका मामा गणेश कुमार को चिंकलास से अपने घर लौट रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे ट्रेलर की चपेट में आ गए, जिससे कि मौके पर ही सुधीर की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। जाम की सूचना पाकर BDO जाफर इमाम, CO स्नेहलता कुमारी, थानाध्यक्ष अभय कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशितों को काफी समझाया बुझाया और BDO ने जब 4 लाख के मुआवजा राशि का चेक मृतक के परिजनों को सौंपा, तब जाकर सड़क जाम हट सका। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस बीच लगभग 4 घंटे तक सड़क जाम रहा। एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक छात्र साइकिल से जा रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर के लोग यहाँ पर रोड जाम किए हुए थे और 4 लाख रुपया जो आपदा राशि है उसके मुआवजे की मांग कर रहे थे। तो अस्पताल उसके संतुष्ट होकर अधिकारी के द्वारा 4 लाख रुपये का चेक निर्गत किया गया, उसके बाद रोड जाम हटा। सिन्हा कॉलेज रोड से रफीगंज तक बन चुकी स्टेट हाईवे के किनारे सड़क निर्माण कंपनी द्वारा नाली बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे से लोगों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के द्वारा सिन्हा कॉलेज के अनुग्रह नारायण छात्रावास के समीप नाली का गड्ढा खोदा गया है और उससे निकली मिट्टी को सड़क पर ही डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे न सिर्फ ये मुख्य मार्ग संकरा हो गया है बल्कि नाली में जमे बरसात के पानी से दुर्गंध भी आ रहे हैं, जिसको लेकर इस मोहल्ले में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। परेशानियां है कि आने जाने में दिक्कत है, एक तो पतली सड़क है, दूसरी तरफ है मिट्टी भरा हुआ है, अब इसी के चलते दिक्कत हो रहा है, पूरा जाम लग जा रहा है यहाँ से लेके था। बच्चे लोग को ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना स्कूल में जाने में, गाड़ियाँ तो आती है तो कभी जाम लग जाती है, कभी NS बच्चे लोग आते हैं, कभी कॉलेज पर ही मोड़े पर रोक देती है गाड़ी, वो पैदल आना पड़ता है, पैदल आके अपना गति कर रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।